हेलो दोस्तों, कैसे हो? चलिए आज कुछ एकदम अलग बनाते हैं, एकदम नया बनाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपकी चाय के लिए कुछ एकदम नया सा चीज़ लेके आई हूँ। ये कोस्टर कितना सुंदर है, इसको चलिए सीखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। तो कोस्टर बनाने के लिए मैंने ये चार कलर का ऊन लिया। आप अपने हिसाब से ऊन ले सकते हैं, आप लाइट या डार्क डेजी में लगा सकते हैं, कोई भी कलर लगा सकते हैं। और घर में आपके कोई भी ऊन हो तो उससे भी ट्राई ज़रूर करें, क्योंकि घर के जो रखे ऊन होते हैं, अगर उनका हम कुछ बनाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ हमारी क्रिएटिविटी दिखती है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने क्रोशिया हुक 3.5 mm का लिया। आप 3 mm का भी ले सकते हैं और 9 नंबर का भी क्रोशिया ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ एक मैं मैजिक रिंग बनाऊँगी। इस तरह से दो फिंगर पे घुमाएँ और यहाँ से ट्विस्ट करें, ऐसे घुमा लें। पहले एक चेन बनाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से फंदा लेंगे, इस चेन को गिनेंगे नहीं, यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। दस हम बना लिए। फिर हम इसे इस तरह से खींच लेंगे और इसे हम जोड़ लेंगे। यहाँ जो हमारा फर्स्ट दिख रहा, ये इसमें बिग वन, इसमें हम जोड़ देंगे, गोल हो गया। फिर यहाँ से एक चेन, उसके बाद सेम जगह में हम दो बुनेंगे डबल क्रोशिया। तो अभी तक हमारे 10 थे, अब बन जाएंगे ये 20, यानी 20। पहले 10 थे, ये 20 यानी 20 बन जाएंगे, हर एक में दो। ये दूसरा राउंड है। तो यहाँ आ गए इस लाइन, फिर से हम इस चेन में इस तरह से ऐड करेंगे और ये हमारा सर्कल कंप्लीट। इस बार हमारे टोटल 20 डबल क्रोशिया हैं। अब यहाँ एक चेन, फिर यहाँ से इसमें हम एक बनाएंगे और नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया, फिर एक अगले में दो, इस तरह से ये लाइन पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ कंप्लीट किया मैंने तीसरी लाइन, यहाँ इस तरह से। अब यहाँ से चौथी लाइन बनाएंगे, यहाँ से पहले एक चेन, फिर सेम में डबल क्रोशिया, फिर अगले में डबल क्रोशिया। इसमें हमने दो बार बनाया था ना, तो यहाँ एक दो, तीसरे में दो बनाएंगे, दो, फिर एक दो, तीसरे में दो, इसी तरह से। ये पूरा पूरा तो नहीं, पर हम यहाँ से कुछ दूर जाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि किस तरह से, बताऊंगी किस तरह से बनाना। मैं इसका सेट बताऊंगी किस तरह से बनाना, इतनी दूर तक 21 तक जाएंगे, यहाँ से 21 तक। पहले कुछ दूर बना लूँ, फिर मैं काउंट करके बताऊँ। तो यहाँ मैंने 21 फंदा बनाया, 21 यहाँ से होगा, यहाँ से काउंट करके यहाँ जाएंगे। और वैसे 21 ना भी गिने तो ये 7 सेट गिन ले। यहाँ से ये हम कितना है, एक सेट, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 7 सेट मैंने बुना है। इसको हम पूरा किए हैं, ये सेट यहाँ हो गया। इसके बाद हम यहाँ से एक दो तीन, यहाँ पैटर्न थोड़ा सा अलग हुआ, तीन, तीसरा हम पूरा नहीं बुनेंगे। और यहाँ हम लगाएंगे अपना जो फ्लावर का बीच वाला पोर्शन है उसको। यहाँ से पहले मैं येलो लगाऊंगी, आपको किसी भी कलर का लगा सकते हैं। यहाँ से इस तरह से निकालें और इस सफ़ेद धागा को साथ में ही रखेंगे और यहाँ से हम इसको अच्छे से इस एक में 5 बार बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक बार और सेम जगह में 5 बार। उसके बाद हम यहाँ पूरा नहीं बुनेंगे 5वां,
और यहाँ से हम धागा उठा लेंगे नया। और इस धागे को भी हम यहीं रखेंगे, पहले यहाँ थोड़ा सा बुन लें, फिर यहाँ से पीछे रखेंगे इसको, यहाँ से एक दो तीन चार पाँच, पांच डबल क्रोशिया, और यहाँ इसमें स्लिप स्टिच, एक पंखुड़ी का हमने इस राउंड में बना दिया यहाँ। अब यहाँ से फिर वापस शुरू करूँगी, तब तक मैं यहाँ इस धागे को कट करके निकाल दूँगी। यहाँ कट करेंगे और इन दोनों को यहाँ थोड़ा सा छोटा हो गया धागा, दो बार गांठ लगा देंगे और क्रोशिया हुक से इसे हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, क्रोशिया हुक से हम इस पार निकाल देंगे। पतला क्रोशिया भी लेके कर सकते हैं, जैसे ये मोटा है थोड़ा, यहाँ से इस साइड को और एक्स्ट्रा कट करके निकाल सकते हैं। तो तीस राउंड का बन गया यहाँ। अब यहाँ से एक चेन लेंगे और यहाँ से एक दो तीन, फिर चार, तो यहाँ से ये हम अब पहला सेट बनाएंगे यहाँ, इसमें दो, यहाँ हो गया एक सेट। अब इसके बाद दो तीन चार, चार सेट बनाएंगे, उसके बाद का बना बताऊँगी मैं किस तरह से बनाना है। तो इसके जैसे मैंने चार सेट बनाया, एक दो तीन चार, इसके बाद अब यहाँ एक दो तीन, तीसरा कंप्लीट नहीं करेंगे पूरा, यहाँ वापस से हम येलो धागा लगाएंगे। सफ़ेद को साथ में रखेंगे बगल वाले में, एक दो तीन चार पाँच, पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, यहाँ से सफ़ेद ले लेंगे और इस धागा को हम कैरी कर लेंगे। फिर यहाँ से एक दो तीन चार पाँच, यहाँ फिर यहाँ से हम इस धागे को उठा लेंगे, इसको फिर वापस से कैरी करेंगे साथ में, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ से सफ़ेद, फिर यहाँ से एक दो तीन चार पाँच, पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इस येलो को हम कट कर देंगे, इसको साथ में बुन लें या नॉट लगा दें, दो तीन चार पाँच। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो है तो इसके ऊपर से तो हम जाएंगे नहीं, इसलिए हम इसके फ्रंट से छोड़ देंगे, बैक से बुनेंगे इस साइड से। तो इन सब में भी एक एक डबल क्रोशिया बुन लेंगे यहाँ से। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को भी प्रेस करें, इससे मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप बहुत अच्छी अच्छी वीडियो सीख सकते हैं। उसके बाद पूरे में बुने यहाँ से। ये डिज़ाइन मैंने किसी एक फॉरेनर को देखा था, तो उन्होंने बनाया था तो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ। जिन्होंने बनाया था उनको बहुत बहुत धन्यवाद,
मैंने सोचा मैं आपको हिंदी में सिखाऊं, जिससे जो फ्रेंड्स हिंदी जानती हैं उन्हें बहुत आसानी हो बनाने में। तो ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब यहाँ एक चेन बना के कट कर दूँगी धागा। तो फ्रेंड आप सोच रहे हो कि ये तो बैठा नहीं ऐसे, ये अभी जब इसका फ्लावर बनेगा ये बहुत अच्छे से ये बैठ जाएगा, इस तरह से दब जाएगा, क्योंकि ये इसका ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ये ऐसे क्रॉस करेगा तब ये अच्छे से बैठ जाएगा। इस धागे को हम साइड में छुपाते हैं यहाँ से नीचे निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा कट कर दें। ये जो हमने फर्स्ट बनाया था इसे भी हम बांध देंगे कहीं ना कहीं। तो अब चलिए हम फ्लावर बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें दिखाऊंगी किस तरह से बनाना। मैंने इस बार यहाँ पिंक धागा इस्तेमाल किया, पहले वाला जो मेरा है मैंने ब्लू किया है। तो फिर हम सबसे पहले यहाँ बनाएंगे। तो जो ये फ्रंट का लूप है 1 2 3 4 5 5 है, तो यहाँ से लेंगे और यहाँ लूप हमने बनाया हुआ है तो यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3, फिर सेम जगह में एक डबल क्रोशिया बुनेंगे यहाँ से। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन, और ये जो हमारा पोर्शन ये वाला दिखाई दे रहा है इसमें से हम स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ 1 2 3 चेन, सेम जगह में स्लिप स्टिच, तो एक रेडी हो गया। अब यहाँ दूसरा वाला जो है उसके अंदर हम स्लिप स्टिच कर देंगे और चले आएंगे हम दूसरे भाग। फिर यहाँ से सेम तरीके से 1 2 3, फिर एक डबल क्रोशिया और यहाँ से 1 2 3, और इसके अंदर हम स्लिप स्टिच, फिर यहाँ से 1 2 3 चेन और यहाँ स्लिप स्टिच। फिर उसके बाद अगले में जाएंगे, फिर से हम यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे 1 2 3, सेम तरीके से हम 5 पंखुड़ी बना लेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3, सेम जगह में स्लिप स्टिच। अब 2 पंखुड़ी पहले हम और बनाते हैं, उसके बाद का दिखाऊंगी किस तरह से बनाना है। तो यहाँ हम लास्ट में आ गए, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे फिर से सेम तरीके से। तीन, एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ से 1 2 3, यहाँ स्लिप स्टिच 1 2 3 चेन और यहाँ हम स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बना के हम धागा कट कर देंगे। सॉरी, तो हमारे फ्लावर रेडी हो गए, यहाँ इस तरह से रेडी हो गए। अब इसको धागा को हम यहाँ से लेंगे, अंदर ले जाएं, फिर अंदर ले जाएं, यहाँ बांध देंगे और यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ ये सही हो गया, इधर का काम हो गया। अब हम यहाँ दूसरा मैं दिखा दे रही हूँ, सेम तरीके से बनेगा पर ये पूरी चेन पे बनेगा। यहाँ से लूप बनाए और हम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ 1 2 3 4 5, सेम तरीके से बस हम पूरी चेन पे बनाएंगे। यहाँ 3,
बहुत सुंदर पोस्टर बनेगा, इसे आप जहाँ भी देंगे या अपने लिए रखेंगे, किसी को बुला के चाय पियेंगे साथ में, कॉफ़ी पियेंगे, तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। बिना तारीफ़ किए कोई रह नहीं पाएगा फ्रेंड। तो ये दो मैं बना लेती हूँ, फिर इसका जो डंडी है वो बनाना मैं दिखाऊँगी किस तरह से बनाना है। तो अभी ये कंप्लीट हो गया, कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके बाद हमें बनाना है इसका डंडी। तो मैं यहाँ से सीधा ले आऊँगी इसको, यहाँ से यहाँ, और इसको भी यहाँ बगल से होते हुए लाएंगे और इसको क्रॉस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जाएं, नीचे से ऐसे फंदा बनाएं और निकालें। अब हम ऐसे घूम जाएंगे यहाँ से, और इसको नीचे से पकड़ेंगे ताकि ये इसका जो नॉट है वो ऊपर ना आए। तो पहला स्टिच हम यहाँ से ले लेते हैं, पीछे से ऐसे लेना है, बस सिंपली चेन, ऐसे चेन रहेगा, एकदम सीधा ले जाएंगे। फिर यहाँ से फिर नीचे से सेम तरीके से, यहाँ ऐसे चाहे इस होल पर से ले जाएं चाहे नहीं ले जाएं, तो मैं होल से ले जा रही हूँ। एक चेन और एक चेन के बाद एक चेन और, फिर यहाँ हम धागा कट कर, ठीक है। इस तरह से हमने सीधे मैं ले गई, दूसरा यहाँ से यहाँ से लिया, इसे भी हम इसी तरीके से ले जाएंगे। यहाँ आ गया, यहाँ से दोनों को एक में नहीं मिलाएंगे बट किनारे किनारे से इसके ऐसे ले जाएंगे। आप चाहें तो दूर दूर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं, जिस डायरेक्शन में आपको उचित लगे। यहाँ से यहाँ और यहाँ एक चेन एंड दो चेन हम बांधते हैं खुले ना, इसलिए तो ये हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। अब एक लास्ट, फिर यहाँ से यहाँ तो आप चाहें तो ऐसे सीधे क्रॉस ले जाएं, मैं यहाँ से ऐसे घुमा दूँगी इसे। तो यहाँ धागा कट कर दें। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। एक मैं दिखा दे रही हूँ किस तरह से इसे रखना है, यहाँ से ले, चैनल पर अगर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, अपने कमेंट भी कर सकते हैं कि जो भी, अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो उसके लिए भी कर सकते हैं, और डिज़ाइन कैसी लगी ये भी बताएं ज़रूर। तो इस तरह से इसको भी बांध देंगे, इसको भी, और यहाँ से भी हम इसको भी, तो सबको करके जब हम कट करेंगे तब इसका डिज़ाइन एक खूबसूरत सा लुक आएगा। तो ये दूसरा डिज़ाइन हमारा। तो फ्रेंड्स, इनवाइट करिए अपनी फ्रेंड्स को
और पीजिए कॉफ़ी या चाय अपने टी कोस्टर के साथ, खूबसूरत टी कोस्टर। थैंक यू।